अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बहुत दिनों बाद अब मुझे हिम्मत मिल गई थी कि मैं इस इतने बड़े व्लॉग को जो है वो एडिट कर सकूं, तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ। और यहाँ तक तो खैर आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देख लिया था और उसी का ये कंटिन्यू है। असल में मैंने मतलब मेरा ना हिम्मत ही नहीं हुई थी एडिट करने की, इतने सुस्ती आ गई थी। तो चले अब आपको मैं पूरी परेड दिखा रही हूँ। होता ये है कि ना परेड स्टार्ट होने से पहले ये मतलब जैसे सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान ऐसे चारों जो है वो हमारे प्रोवेंसेस जो है उनके ड्रेसिंग करके आते हैं और हमें थोड़ा सा चेयर अप करते हैं, क्योंकि हमें जो है वो बहुत आवाज़ें निकालनी हैं अभी और बहुत नारे लगाने हैं। तो वो हमें इस तरह से यहाँ पर चेयर अप कर रहे होते हैं कि आप लोग तैयार हो जाएँ, अब हमारी परेड जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो 5:45 और 6 तक ये परेड जो है वो स्टार्ट हो गई थी। और हम ये देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको क्लैपिंग करनी है और जो है वो फुल जोश में रहना है आपको। अच्छा ये ना इतनी तेज़ भाग नहीं रहा था, मैंने इसको थोड़ा फास्ट किया है। लेकिन सबसे जो जोशीला बंदा था ना वो यही था और बोला था कि भाई इंडिया वाले भी हैं, थोड़ा सा आवाज़ निकालो अपनी। अच्छा खैर वहाँ पर हम लोग किसी को इंजॉय कर रहे थे तो परेड स्टार्ट होने से पहले ही जो है वो कुछ लड़कियाँ बैठे हुए थे वो सीट टूट गई। और अब जब सारा वजन इस पर देंगे, हालांकि यहाँ पर किसी को बिठा भी नहीं रहे थे क्योंकि ये टूटी हुई थी पहले से ही, तो अब जब जो है वो बैठ गए हम हंस हंस के पागल हो गए यार। खैर कुछ ना कुछ तो होता है, तो जब तक ये चीज़ें ना हो तब तक आपको मज़ा नहीं आता। तो ऐसे यहाँ पर हमने ऐसे कहते, फिर वो बेचारे यहाँ पर बैठे लेकिन कुछ नज़र तो खैर आ ही नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत नीचे हो गया था। तो बस जो है वो अब देखें, मैंने आपको बताया था ये चारों आ गए हैं चारों सूबे के जो है वो ड्रेसिंग करके, और पाकिस्तान का फ्लैग इनके पास है। दे ऑल आर हेयर टू चीयर अस अप। और बस अब हम लोग जो है वो वेट कर रहे थे कि कब जो है वो पूरी सही तरीके से परेड स्टार्ट हो जाए। ओके तो फिर यहाँ जो है ना ढोल भी बजा था और उसके बाद ना ये एक साउंड ऐसे निकालते हो क्या क्या आपको आ रही होगी। तो उसके बाद जब वो साउंड ख़त्म होती थी तो हमें जो है वो मतलब शो मचाना होता था, ऐसे करके हम लोग जो है वो करे थे। और उसके बाद फिर कुछ नारे भी लगे थे कि नारे तक भी अल्लाह अकबर ऐसे करके सारे हमने नारे भी लगाए थे। तो वहाँ पर जो आप रहते हो ना तो वो एक जोश अलग ही होता है और आपको एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए एक बार। और जब कोई भी जब भी आप लाहौर जाएँ, अगर आप नहीं गए या अगर आप लाहौर में हैं और आप तक नहीं गए हैं तो आप लोग जाएँ, ये एक जो है वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो जाता है। तो अब जो है वो बस यहाँ पर परेड जो है मैं दिखा रही हूँ कि स्टार्ट होने वाली है। पहले जो है वो फीमेल्स आती हैं और फिर जो है वो मेल आते हैं और फिर जो है वो ये पीछे झंडे पकड़े हुए वो आते हैं। मैंने इसको फास्ट करना पड़ा क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ें फिर दिखा नहीं सकती थी, इसलिए मुझे इसको थोड़ा फास्ट करना पड़ा। आप लोग तो समझ ही रहे होंगे है ना।
और यहाँ पर ज़्यादातर काम जो है वो आपका चीखने का होता है, आपके जोश का होता है कि आप में कितना जोश है। ऑफकोर्स हमारा जो एरिया था थोड़ा सा वो उन लोगों के लिहाज से यहाँ पर एरिया कम था, क्योंकि लोग की आबादी यहाँ पर कम है एज़ कम्पेयर टू देम। मगर फिर भी मैं ये नहीं कहूँगी, जोश जो है वो हमें ऑफकोर्स अपने तरफ का जो है वो काफ़ी लग रहा था कि यार हम लोग आवाज़ें निकाल रहे हैं बहुत। तो ये होता था कि जब वो लोग आवाज़ निकालने वाले होते थे तो हम भी साथ निकालते थे, ताकि एक दूसरे की ना आवाज़ दब जाए और पता ही ना लगे कि किसकी ज़्यादा आवाज़ है। तो खैर, लेकिन इससे भी बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये सब में तो ऑफकोर्स आ ही रहा था सब कुछ देखने में, पहली बार आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो या और मैं वैसे जो है वो सब कुछ ना आपने मेरे बहुत सारी मतलब पीछे सुना होगा, मैं सब कुछ आरिस को बताई जा रही थी क्योंकि आरिस को एक्टिव करना भी बड़ा ज़रूरी था। आरिस जो है वो धूप की वजह से बहुत हमारे बच्चे मैंने बताया ना वो हो गए थे, तो ज़रबत तो उस तरफ था, अलियासा तो बेचारा इतना छोटा इधर उधर घूम रहा था, लेकिन आरिस साहब की सबसे ज़्यादा हमें टेंशन थी तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो मैं इसको बताई जा रही, चेयरअप करी जा रही कि आरिस ये देखो आरिस वो देखो, लेकिन खैर बच्चों ने भी उसके बाद फिर हमारे बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। ऐसा नहीं है कि अगर आपके बच्चे यहाँ आएंगे तो इन्जॉय नहीं करेंगे, वो भी बहुत इन्जॉय करेंगे, बस गर्मी का थोड़ा ख्याल रखिएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ी संभी दे देती हूँ आप लोगों को कि जो जो हुआ क्या हुआ। तो पहले तो मैंने बताया कि वो चेयर अप करने के लिए आ जाते हैं, सब सेटल डाउन हो जाते हैं, उसके बाद फिर जो है वो ढोल बजता है, उसके बाद फिर वो पहले म्यूज़िक थोड़ा सा वो होना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा जैसे पीछे जो आवाज़ें आ रही थी वो
तरह की आवाज़ निकाल रहे थे वो होता है। फिर जो है पहले फीमेल्स आती हैं दो, फिर जो है वो ऐसा ऐसा करके मेल्स आते हैं, ठीक है। फिर जो है वो दरवाज़ा खुलता है, हैंड शेक होता है, अभी ये खुला हुआ है दरवाज़ा। उसके बाद जो है ना यहाँ पर परचम जो है वो फ्लैग्स नीचे उतरेंगे, तो वो उतरने के बाद जो है वो एक बंदा लेकर जा रहा होता है, वो दिखाते हैं, ठीक है, ये देखें फ्लैग उतारने के लिए आ गए। इसके बाद फिर दरवाज़ा बंद हो जाएगा और हमारा एक में सामने बाबे आज़ादी जो लिखा हुआ है उसके सामने एक उसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ होता है, तो वो भी जो है वो चेंज होता है। तो ये सब पूरा ना प्रोसेस होता है, तकरीबन 45 मिनट्स की एक परेड होती है, बहुत, हाँ 45 मिनट्स तो होती ही होती है। और देखिए वैसे तो ये परेड मतलब एक दूसरे के आमने सामने ऐसे हो रही है, लेकिन ये एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू होती है कि भाई इस टाइम हमारे इतने फौजी ऐसे करके आएंगे इस टाइम, मतलब एक ऑफ कोर्स जब दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं तो एक ये लोग एक साथ प्रैक्टिस भी करते हैं, एक कोऑर्डिनेशन रहती है। और एक साथ प्रैक्टिस करने के अलावा जो बाद में भी अलग से हम जब आकर बैठ रहे थे तो ये लोग प्रैक्टिस ही कर रहे थे, जबकि रोज़ परेड होती है मगर फिर भी ये रोज़ ही प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ऑन द फील्ड आप कोई गलती नहीं कर सकते। तो ये नहीं होता कि अगर ये फ्लैग्स उतर रहे हैं और हैंडशेक हो रहे हैं, ऐसी ऐसे जोश दिखा रहे हैं, तो इसमें कोई लड़ाई हो रही है। हाँ बस अपने मुल्क का एक अपने मुल्क से प्यार और वो जोश तो वो अलग ही होता है, लेकिन ये एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू सब कुछ हो रहा होता है पाकिस्तान और इंडिया के, ठीक है। और अभी मैं दिखाऊंगी, ये वो फ्लैग है जो चेंज होता है, ये वाला फ्लैग चेंज होता है जिसकी मैं पहले आप लोगों से बात कर रही थी ना, तो ये वो वाला फ्लैग है और यहाँ पर ये फ्लैग उतर रहे होते हैं। और बस ये होती है इतनी परेड, जब फ्लैग्स उतर गए और वो लेकर चले गए। अब मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें काट कूट के जो आप लोगों को दिखाई हैं, क्योंकि फिर बहुत लंबा व्लॉग हो जाता है और बहुत कभी कुछ लोग बोर भी हो जाते हैं ऑफकोर्स इतने लंबे लंबे व्लॉग से। तो ये सब होता है परेड में, जिसको नहीं पता तो उनको जो है वो मैंने अपने व्लॉग्स के थ्रू दिखाया। अच्छा फिर जो है वो बस हम लोग जो है वो जब ये सब ख़त्म हो गया और ये देखिए ये फ्लैग फोल्ड करके ऐसे और ये फिर बस यहाँ लेकर आ जाएंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छा होता है, एक साथ जो है वो सब लेकर आते हैं फ्लैग। और अब यहाँ पर ये ऊपर आ गए और हो गई थी ये परेड ख़त्म, फिनिश दी एंड। और फिर हम लोग जो है वो गए नहीं थे वापस, अभी बहुत सारी चीज़ें आपको आगे दिखाना बाकी हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए इस व्लॉग में, थोड़ा सा नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि अगेन व्लॉग इतना लंबा मैं नहीं कर सकती थी, दैट्स व्हाई। तो अब परेड ख़त्म होने के बाद जब दरवाजे वगैरह बंद हो गए तो कुछ लोग तो डायरेक्ट चले जाते हैं, कुछ लोग जो है वो
पिक्चर्स खिंचवाते हैं वहाँ सोल्जर्स वगैरह जो खड़े होते हैं उनके साथ, बाकी जिन्होंने परेड वगैरह की होती है उनके साथ, बिल्कुल ना दरवाजे के पास जाकर पिक्चर्स खिंचवाए थे। वहाँ पर इंडिया भी दिख रहा था, यहाँ पर पाकिस्तान में खड़े होकर पिक्चर खिंचवाए थे। हम लोगों ने भी खिंचवाई थी वैसे, और हम लोगों ने यहाँ का पूरा टूर भी किया था। यहाँ का इनका म्यूज़ियम देखा, यहाँ पर मैप है पाकिस्तान का वो देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ जो आपके पास रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो आपको नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करना पड़ेगा ये सब देखने के लिए कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, म्यूज़ियम में क्या क्या था। वो सेल के लिए भी उन्होंने चीज़ें रखी हुई थी, हम लोगों ने भी कुछ चीज़ें ली हैं, मैं वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। पता नहीं यहाँ पर मैंने कैमरा कैसे पकड़ लिया था, मेरी गलती थी। आप वीडियो देखना मत भूलिएगा, नेक्स्ट वीडियो तो ज़रूर देखेगा कि हम लोग यहाँ पर ज़ीरो लाइन पर थे, बस हमारे इस तरफ था इंडिया, और बिल्कुल आगे भी जाकर मैं आपको दिखाऊंगी भी नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। इफ़ डू प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मुझे इंस्टा पर फॉलो करें, और मुझे कहीं भी आपको ज़रा भी चीज़ कोई चीज़ पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, और मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।